हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलर्स आर्टिस्ट नीति। और इस चैनल में हम बात करते हैं ड्राइंग की कुछ टेक्निक्स और मेथड के बारे में इन अ इजी वे। तो मैं नीति आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मोज़ेक पेंटिंग में 3D कलर्स हम कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उन कलर्स को करने के लिए आज मैं ले रही हूँ कैमल पोस्टर कलर्स। इसमें 12 शेड्स होते हैं ताकि हमें टोन्स बनाने में आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप उन्हें टाइम से देखते रहें। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे 3D टोन्स कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल शेप ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, और फिर हम डिवीजन के थ्रू ये देखेंगे कि हमें 3 टोन्स यानी कि लाइट, मिडिल और डार्क, तीनों टोन्स कहाँ कहाँ किस किस जगह करनी है। तो सबसे पहले सपोज़ हमने मोज़ेक सब में ड्रॉ कर लिया। ये मोज़ेक हम ड्रॉ कर चुके हैं, ध्यान से देखिए। ये मैं बहुत डार्क कर रही हूँ ड्रॉ, ताकि आपको वीडियो में पता चल जाए अच्छे से। ये अब हमें इसका करना है डिवीजन। तो हम इसमें लाइन, कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे आई डिवीजन के थ्रू, यानी कि सपोज ये सोचेंगे कि कितने एरिया में हम डिवीजन कर सकते हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ये एक पोर्शन जो इमेज हमने बनाई है 3 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। तो हम इसका डिवीजन कैसे करेंगे, तो सिर्फ इसके लिए हमें क्या करना है, आई डिवीजन का ध्यान रखना है। मीन्स ये देखिए, ये एक पार्ट हो गया, सब 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट, यानी कि 1 पार्ट ये हो गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। सिर्फ आई डिवीजन के थ्रू हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे किसी भी फॉर्मेशन को, किसी भी फॉर्म को जो हम काम कर रहे हैं उसको। अब ये डार्क टोन, ये भी डार्क टोन, ये भी डार्क टोन। अब देखिए सेकेंड, यानी कि सेकेंड पोर्शन, यहाँ पर क्या है, ये ब्लॉक बड़ा है, पूरा इसी पोर्शन में आ रहा है, तो हम यहाँ मिडिल टोन करेंगे, यहाँ पर भी मिडिल टोन करेंगे। अब आया ये पोर्शन, तो ये आधा यानी कि हाफ सेकेंड टोन में है और हाफ थर्ड टोन में है। तो हम इस ब्लॉक के ज़्यादा पार्ट को देखेंगे कि किस टोन में है, ज़्यादा पार्ट है हमारा सेकेंड टोन में, तो हम यहाँ करेंगे मिडिल टोन। ये वाला ज़्यादा पार्ट है किस में, सेकेंड टोन यानी कि मिडिल टोन में, इसमें भी हम करेंगे मिडिल टोन, राइट। यानी कि ये मिडिल टोन के ब्लॉक्स हो गए, ये डार्क टोन के ब्लॉक्स हो गए। अब आइए फर्स्ट टोन यानी कि लाइट टोन पर आते हैं। लाइट टोन में देखिए, इस हिस्से में जो फर्स्ट टोन का हिस्सा है, इसमें ये वाला फर्स्ट ब्लॉक यानी कि इसका जितना ज़्यादा पोर्शन कौन से हिस्से में है, ये फर्स्ट हिस्से में यानी कि पहले वाले पोर्शन में इस ब्लॉक का ज़्यादा पार्ट आ गया है, तो यहाँ हम करेंगे लाइट टोन, ठीक। और ये कम वाला पार्ट मिडिल टोन में है, तो इसलिए हम यहाँ पर मिडिल टोन नहीं करेंगे। हम हमेशा ब्लॉक का वो पार्ट ज़्यादा, जहाँ पर है, जिस हिस्से में पार्ट ज़्यादा हो रहा है, वो वाला टोन उसमें अप्लाई करेंगे। अब सेकंड वाला देखिए ब्लॉक, सेकंड वाले ब्लॉक का जितना भी एरिया यानी कि ज़्यादा एरिया हमारा, ज़्यादा वाला एरिया हमारे फर्स्ट पार्ट में आ रहा है यानी कि फर्स्ट टोन में आ रहा है, तो हम यहाँ करेंगे लाइट टोन, यहाँ भी करेंगे लाइट टोन। अब ये वाला, ये देखिए, यहाँ हमारा कौन सा पोर्शन आ रहा है, यहाँ पर हमारा ज़्यादा वाला पोर्शन लाइट टोन में आ रहा है, तो हम यहाँ भी करेंगे लाइट टोन। अब इधर आइए, ये वाला जो ब्लॉक है, इसका बहुत सारा पार्ट सेकंड टोन यानी कि मिडिल टोन में आ रहा है, तो हम यहाँ करेंगे मिडिल टोन। तब आपको शायद इससे बहुत ईजी पता चल गया होगा, ये बहुत ईजी हो गया होगा आपके लिए ये देखने के लिए कि हम 3 टोन्स को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आई डिवीजन के थ्रू डोंट ड्रॉ दीज लाइन्स, ये लाइन्स आपको ड्रॉ नहीं करनी, ये सिर्फ मुझे समझाने के लिए करनी थी। यहाँ पर आप सिर्फ आई डिवीजन के थ्रू यानी कि अंदाजे से इस 3 यानी कि जो भी आप फॉर्म बना रहे हो उसे अंदाजे से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और ये देखेंगे ब्लॉक्स बनाने के बाद वो डिवीजन करना है आपने। ब्लॉक पहले बनाने से पहले डिवीजन नहीं करेंगे, नहीं तो उससे आपको अच्छे से पता ही नहीं चल पाएगा। आपको डिवीजन करना है ब्लॉक्स को बनाने के बाद, ब्लॉक्स बनाने के बाद आई डिवीजन कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी टोन कौन से वाले पोर्शन में होनी चाहिए, किस ब्लॉक में, ठीक है। चलिए अब कलर शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले ये मोज़ेक करने के लिए एक पैरेट ड्रॉ किया है।
इसमें आज हम करने वाले हैं 3D पेंट कलर्स, राइट। तो आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले आप ड्राइंग कीजिएगा मोज़ेक की, ये ब्लॉक्स बनाइएगा, उसके बाद आप कलर स्टार्ट कीजिए आई डिविजन के थ्रू, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं मोज़ेक में 3D पेंट, चलिए शुरू करते हैं। Thank you.
अब हम बनाने वाले हैं बीक रेड कलर से। तो देखिए हमारी पैरेट ने 3D कलर्स कंप्लीट हो गए। अब हम करने वाले हैं इसकी आउटलाइनिंग ब्लैक स्केच पेन से। तो देखिए ये ब्लैक स्केच पेन से मैंने इसकी आउटलाइनिंग की थी। लग रहा है ना सुंदर? इसमें हमने 3 टोन्स का इस्तेमाल किया है, डार्क मिडिल एंड लाइट। ऐसे ही ब्रांचेस में डार्क मिडिल एंड लाइट। आपका ये पैलेट रेडी हो गया 3 टोन्स में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।